गणेश जी का तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो पर। और आज हम देखेंगे सरस्वती पूजा के लिए तैयार की जा रही हैं सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्तियां। कार बना रहे हैं अपनी मूर्तियां और कर रहे हैं पेंट। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हुई है इन्होंने। जैसा कि आप जानते हैं सरस्वती पूजा आने वाली है, उसके लिए तैयार की जा रही हैं ये सारी मूर्तियाँ। मूर्तिकार जल्द से जल्द इनको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरस्वती पूजा में इनकी पूजा की जा सके। ये देखिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये सभी मूर्तियाँ सरस्वती पूजा के लिए तैयार की जा रही हैं। अभी इनमें बहुत सा काम बाकी है। जब ये मूर्तियाँ पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगी और इनका श्रृंगार किया जाएगा, उसके बाद बहुत सुंदर दिखेंगी, मानो साक्षात सरस्वती प्रकट हो गई हों। चलिए आगे देखेंगे माँ सरस्वती का श्रृंगार होने के बाद कितनी सुंदर दिखेंगी माँ सरस्वती की मूर्तियाँ। देखकर ही मन प्रसन्न हो जाएगा। चलिए करते हैं मूर्तिकार कारीगर से बात और जानते हैं उनका नाम। हाँ जी सर जी, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शिवशंकर मिस्त्री है। अच्छा, ये आप काम कितने दिन से कर रहे हैं जी? ये तो मैं करीब करीब 20 साल पहले से कर रहा हूँ सर जी। मेरा गुरु सिखा रखा है तो मैं 20 साल पहले से कर रहा हूँ। तो ये मूर्तियाँ कब तक तैयार कर दोगे आप? ये 25-24 तारीख को तैयार हो जाएगी, 25 तारीख को चली जाएगी अपने स्थान पर। अभी इनमें कितना काम और बाकी है जी? इसमें तो श्रृंगार का टोटल काम बाकी है। हाथ पैर रंगेंगे, केश लगेगा, कपड़े पहनाऊंगा, नथ टीका चक्र एक माता की तरह इसको श्रृंगार करूंगा, मुकुट लगाऊंगा। तो ये श्रृंगार करना कब से शुरू करोगे आप? जी मैं 22 तारीख से शुरू करूंगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए अभी हमने बात की है मूर्तिकार से और इन्होंने अभी बताई है मूर्तियों के बारे में, कुछ जानकारी दी है। और जैसे ही ये इनका श्रृंगार करना शुरू करेंगे वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है और उनका श्रृंगार भी हो चुका है। देखिए दोस्तों, श्री गणेश जी और माँ सरस्वती। देखिए गणेश जी का मुकुट और माँ सरस्वती जी का मुकुट और केश और साड़ी कितनी सुंदर कारीगर ने सजाया हुआ है। अब ये मूर्तियाँ पूरी तरह से सजकर तैयार हैं और अब भक्त श्रद्धालु जिन्होंने कल माँ सरस्वती की पूजा करनी है वो इनको ले जाएंगे और कल इनकी बड़ी धूमधाम से पूजा की जाएगी और पूजा के बाद इनका विसर्जन किया जाएगा। माँ सरस्वती को संगीत की देवी कहा जाता है। यहाँ पर एक से एक सुंदर मूर्ति बनाई हुई है। ये स्थान है पानीपत गंगाराम कॉलोनी, जहाँ पर ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं।
ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं यहाँ पर, कारीगर ने अपनी कला का पूरा प्रदर्शन किया है। ये आप देख रहे हैं आंखें, कितना खूबसूरत चेहरा बनाया हुआ है, मानो कारीगर के हाथों में जादू है, उन पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। माँ सरस्वती के चार हाथ, मोर पर सवार, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई हुई है ये। ये देखिए माँ सरस्वती की मूर्ति को कल की पूजा के लिए भक्त श्रद्धालु ले जा रहे हैं गाड़ी में बिठाकर।